Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. You were supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling. Hey guys, welcome back to my channel. और ये look मैंने create किया है Eat Look One. मतलब कि ये मैंने लुक क्रिएट किया है ग्रीन में. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के हिसाब से मैं ये लुक ईद के जितने भी क्रिएट करूँ. तो आई होप कि आपको मेरा ये लुक पसंद आए. तो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये मेकअप. सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज टोनर. काफ़ी यू नो फेस को रिफ्रेशिंग कर देता है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मी ऑन का पैन स्टिक, जो कि बहुत ही अच्छी पैन स्टिक होती है. और इसको मैंने इसमें दोनों चीज़ यूज़ किया है, लाइक एज अ कंसीलर भी यूज़ किया है, मैंने इसको इसमें एज अ फाउंडेशन भी यूज़ किया है. तो काफ़ी अच्छा कवरेज होता है और बहुत ही अच्छी पैन स्टिक होती है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का कॉम्पैक्ट, ताकि मैं इस कंसीलर को अपने आईलेट पर सेट कर लूँ, ताकि मैं ताकि जो आई शेडो है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाए. उसके बाद क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने ग्रीन लुक क्रिएट किया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीनिश कलर ले रही हूँ. और यहाँ पर मैंने पैलेट लिया है स्विस ब्यूटी से 32 शेड्स आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैंने ग्रीन कलर पिक किया है. और मैं थोड़ा सा डार्क कलर पिक करके अपने क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ. तो थोड़ा सा डार्क कलर लेना है. मैंने कोशिश करी है कि जितने मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं सब अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हुए हैं. उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करना है, तो दोनों आईज पे मैंने ब्लेंड कर लिया. उसके बाद मैंने यहाँ पर फोकुलर का वो लिया हुआ है ग्लिटर, और ये बहुत ही अच्छा ग्लिटर है. इसके प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं. तो इसका जो ग्लिटर है वो थोड़ा सा ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर का है, जो कि मैं अपने लिड पे इसको स्टिक कर रही हूँ. इसके लिए आपको कोई भी चीज़ लाइक ग्लॉस या कुछ भी लिड पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं. ये खुद जो होता है ग्लिटर, ये बहुत स्टिकी होता है अपने आप ही. आप अगर फिंगर की हेल्प से स्टिक करोगे अपने आईज़ पे, अपने आप स्टिक हो जाता है और बहुत ही अच्छा होता है. उसके बाद मैं यहाँ पर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड लैकमे से इंस्टा आईलाइनर, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल आईलाइनर होता है और बहुत ही अच्छा आईलाइनर होता है. मैं यहाँ पर विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ. उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ खादी का एक मैंने लिया है क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छी डे क्रीम है, जो कि बहुत ही शाइनी और बहुत अच्छा आपके फेस को मॉइस्चराइज करती है. तो यहाँ पर मैंने खादी की क्रीम लेके उसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, जो कि आपको नायका पे मिल जाएगी. और उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल. ये आपको पता है कि एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छे से फेस को आपके मॉइस्चराइज भी करता है और बहुत अच्छे से प्राइम भी करता है. तो अगर इन केस अगर कभी आपके पास प्राइमर नहीं होता तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा. उसके बाद मैंने मालियो का जो ग्लो बेस होता है ग्लो स्किन, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो मेरा मेकअप हो वो बहुत ज़्यादा ग्लोई हो. तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे. उसके बाद मैंने मी ऑन स्टिक ली है और मैं इसको एज अ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. जैसे कि मैंने बताया था, मैंने इसको एज अ कंसीलर भी और एज अ फाउंडेशन भी इस वीडियो में यूज़ किया है, और ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, आप देख सकते हो. तो इसको मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, और जो इसका शेड है वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मुझे बहुत अच्छी लगती है ये पैन स्टिक, एक बार आप ट्राई करिएगा. तो काफ़ी अफोर्डेबल आपको मिल जाती है. उसके बाद इसी सेम स्टिक को मैं कंसीलर की तरह भी यूज़ करूँगी. तो अच्छे से ब्लेंड करना है, नेक पे भी ब्लेंड करना है, ताकि ये बिल्कुल भी अलग सा ना लगे.
तो मैंने सेम पैन स्टिक को एज अ कंसीलर भी यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉम्पैक्ट मालियो ब्रांड से, जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट होता है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर अपने मेकअप को कर रही हूँ सेट। उसके बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ सेम डार्क ग्रीन कलर। मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैंने सेम फोकलर का जो ग्लिटर था वो मैंने स्टिक किया था अपने लोअर लैश लाइन पे भी। अपने लोअर लैश लाइन पे भी ग्लिटर वैसे ही स्टिक करना है। अब देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था, इससे आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया है फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन से, वॉक फ्री मस्कारा, और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अच्छा मस्कारा मिल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्टोरिंग के लिए कर रही हूँ NYBA की कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी। मुझसे एक दो लोगों ने पूछा था कि कॉन्टोर के लिए कौन सी स्टिक लूँ, तो ये स्टिक बेस्ट स्टिक होती है, आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है और बहुत ईजी टू अप्लाई होती है। तो मैं यहाँ पर NYBA की कॉन्टोर स्टिक, जिसका शेड है दैट इज़ टॉफी, और मैं इसको अप्लाई करके अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है स्विस ब्यूटी का 4-in-1 पैलेट, जिसमें आई शेडो भी है, इसमें हाइलाइटर भी है, इसमें ब्लशर भी है, आप कॉन्टोर भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं इतने से पैलेट में, तो इसका मैंने एक ब्लशर शेड लेके अप्लाई कर रही हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छे पैलेट होते हैं, बहुत ही शाइनी पैलेट होते हैं। उसके बाद सेम पैलेट से मैंने एक हाइलाइटर शेड लिया है, उसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, लाइक सिल्वर शेड भी है, थोड़ा सा यू नो गोल्डनिश शेड भी है, तो उसमें से मैंने शेड लेके मैं उसको हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी ब्राउज को कर रही हूँ फिल। मैंने यहाँ पर लिया है हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक, जो कि बहुत ही न्यूड है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, और ये काफ़ी न्यूड लिपस्टिक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बहुत लिप्स को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं कर रही थी, मैं थोड़ा सा न्यूड रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आईज़ काफ़ी वाइब्रेंट हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने एक उसकी भी लगाई थी, मिस रोज़ की भी लिपस्टिक ऊपर से लगाई थी, ताकि एक बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। लव बग लिपस्टिक अप्लाई करी थी शेड। ये है मेरा फाइनल लुक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय बाय।